हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। चलिए आज बनाते हैं हम लोग आम का अचार या चटनी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और मार्केट में तो आपको पता ही है कच्चा आम का भरमार है, तो कच्चा आम से तो कुछ तो बनाएंगे इस साल। तो कच्चा आम ले आए हैं 3 किलो, पर 2 किलो का ही बनाएंगे हम। यहाँ पर सारे आम को पील करने के लिए हम बैठा दिए हैं मेरा बेटा को। सब आम को धो के अच्छा से सुखा लिए, उसका बाद ही पील कर रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा से भी इसमें नहीं जाएगा और पूरा साल भर भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर विनेगर देंगे तो बाहर भी रख सकते हैं। तो आम सब में बहुत मतलब मोटा मोटा गुठली हो गया है, तो हम इसको काट ही नहीं पाए, मेरा हाथ पूरा दर्द हो गया काट के। तो हम क्या किए, उसको अच्छा से साइड साइड से पूरा निकाल दिए हैं। देखिए इस तरीके से, ये सब हम तो नहीं निकाले, मेरा बेटा ही निकाल के दिया है मेरे को। तो हम काटने की कोशिश किए तो काट नहीं पाए, तो बेटा बोला कि मम्मा ऐसी कर लो, तो ऐसे ही निकाल दिए हैं। तो उसके लिए मसाला क्या लिए वो पहले देख लीजिए। हम यहाँ पर हम सरसों को ले लिए हैं, यहाँ पर करीबन 3 टेबल चम्मच लिए हैं, 2 टेबल चम्मच जीरा को लिए हैं, 1 टीस्पून हम यहाँ पर मेथी दाना को, और हम 2 टीस्पून कलौंजी, 2 टीस्पून जो सौंफ होता है उसको लिए। ये पूरा पूरी अचार का मसाला है, 2 किलो के लिए हम अचार का मसाला हम तैयार कर लेंगे। तो इसको हम लोग ग्राइंडर में दरदरा सा कूट लेंगे, मतलब पल्स मोड में लगा लगा के। बहुत फाइन एकदम नहीं कीजिएगा, थोड़ा दानादार रहे तो अच्छा लगता है अचार का मसाला। तो इसको हम लोग, हम इसको धूप में दिखा दिए थे पहले से ही, तो इसलिए, और हम इसको ड्राई रोस्ट नहीं किए। आप अगर धूप में नहीं दिखाए हैं तो थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके ही इसको फाइन फाइन तो नहीं दरदरा सा आप पल्स मोड में इसको चला लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कढ़ाई बैठा चुके हैं, 2 टेबल चम्मच हम यहाँ पर तेल ले लिए हैं हम, जबकि इसको हम उपास व्रत के लिए बना रहे हैं अचार को, तो इसीलिए हम यहाँ पर रिफाइन ऑयल को लिए हैं। अगर नहीं बना रहे आप तो इसमें आप सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा, उससे अचार ज़्यादा बढ़िया होता है। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून जितना 5 फोड़न को ले लिए हैं, उसका बाद जो आम को हम काट के रखे थे सारे को डाल देते हैं। डालने का बाद इसको हम कम से कम 7 से 8 मिनट तक हम लोग ऐसे उलट पुलट करके इसको भून लेंगे, ताकि आम में जो भी मॉइस्चर है वो हट जाए, ताकि लंबे समय तक हम लोग आम का अचार को स्टोर करके रख सके। ये बहुत ही फटाफट वाला रेसिपी है और खाने में तो एकदम ज़बरदस्त है। तो इसी तरह हम लोग भून लेंगे। भूनने के बाद हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक को डाल देंगे, क्योंकि मेरा जो आम है बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो इसीलिए हम थोड़ा नमक ज़्यादा ही डाले हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा है, आप कच्चा आम खा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम हल्दी पाउडर को डाल दिए हैं और यहाँ पर हम चिली पाउडर को डाल दे रहे हैं। ये तीखी वाली है और कलर भी देगी। ये अचार आप इंस्टेंट बना सकते हैं और फ्रिज में रख के इसको आप महीनों खा सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा भी हम लोग पानी को नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छा से मिला लेते हैं, नमक डाले हैं तो अब इसमें से पानी ऑटोमेटिकली निकलेगा, तो उसी में ही हम लोग गुड़ को डाल देंगे, वो भी बढ़िया से इसी में ही पिघल जाएगा। ये देखिए कितना सारा पानी निकल चुका है, तो अब इसमें हम ढेर सारा गुड़ को डाल देंगे। आप आपका आम का हिसाब से ही गुड़ को डालिएगा। हम बाद में जब टेस्ट किए तो और ज़्यादा खट्टा लगा, तो हम और ज़्यादा इसमें गुड़ का यूज़ किए कि मेरे को लगा बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो अब इसमें हम लोग जो ग्राइंडिंग करके रखे थे अचार मसाला उसको डाल देते हैं। यहाँ पर हम 3 टेबल चम्मच से ज़्यादा ही डाले हैं। बहुत ही मतलब हम बोल नहीं सकते हैं, हम इसको बना रहे थे तो मेरा मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि इतना टेस्टी भी बना है। और जब मेरा दादाजी बनाते थे अचार, अचार स्पेशली मेरा घर में मेरा दादाजी ही बनाते हैं,
बैर का हो या आम का हो, जो सीजन आता है, आंवला का अचार, कटहल का अचार, सब अचार बनाते थे ना, तो हम लोग बैठ बैठ के देखते थे। तो आज वही काम में आ रहा है रेसिपी बनाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अचार पूरा बन के तैयार हो चुका है। ठंडा होने के बाद और थोड़ा ये ठीक हो जाएगा और अब इसको हम लोग स्टोर कर देंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस, एंड जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।